तो मैं केजरीवाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार का 60,000 करोड़ रुपया बजट है, उस 60,000 करोड़ रुपए का वो हिसाब ने क्या किया? क्या दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर, नया कंस्ट्रक्शन, नया विकास हुआ है? दिल्ली में नए कॉलेज, नए स्कूल बने हैं? जो एमसीडी का पैसा, तीनों निगमों का पैसा 13,500 करोड़ रुपया जो उन्होंने देना है, वो फैक्स के साथ थर्ड डीएफसी का पैसा है, फोर्थ डीएफसी का पैसा है, और जो ग्रांट इन एड है, जो एमसीडी का हक है, वो हक भी नहीं दे रहे हैं जो शीला दीक्षित सरकार के समय 17.6% ग्लोबल शेयर मिलता था एमसीडी को, जो दिल्ली के अंदर रेवेन्यू दिल्ली सरकार के पास आता है वो पैसा उन्होंने 12.5% अनाउंस किया, इस बार 10% दिया है, और इस कोरोना संकट में उस 10% में भी 57% की कटौती की है, यानी 4.3%, सिर्फ 4.3% वो ग्रांट इन एड में दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है, और मैं समझता हूँ केजरीवाल साहब को ये समझना चाहिए, अगर वो भी राजनीति करते हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो कोई भी निगम, देश के अंदर कोई निगम होता है, वो निगम स्टेट गवर्नमेंट के साथ अटैच होता है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसकी संवैधानिक बाध्यता होती है, जिस पैसे का वो हवाला दे रहे हैं। आज डीएमसी एक्ट भी कहता है, डीएमसी एक्ट की आर्टिकल 107, उसके अंतर्गत 46 और 47 धारा ये कहती है कि निगमों के अंदर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो दिल्ली सरकार को उसकी सहायता करना अनिवार्य है, ये उनका दायित्व है, उनका ड्यूटी है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। उनके पास 60,000 करोड़ रुपया वो कहाँ खर्च कर रहे हैं? वो विज्ञापनों पे खर्च कर रहे हैं, वो चौक चौराहे पे अपनी मुस्कुराती हुई फोटो लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की वास्तव में फिक्र नहीं। आज निगम के डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, या हेल्थ वर्कर हो, जिस डेंगू का वो क्रेडिट ले रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया और जल जनित बीमारियों से दिल्ली की रक्षा उन कर्मियों ने की है, उन्हीं की सैलरी वो देने से अपने आप को सिर्फ राजनीति के तहत मना कर रहे हैं, क्योंकि निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस बात का उन्होंने जिक्र किया, जो 448 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं कि दिल्ली एक एनसीटी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, और यहां पर सिर्फ दिल्ली सरकार के जो विभाग है इसके अलावा भी बहुत सारी एजेंसीज हैं। दिल्ली के अंदर डीडीए काम करता है, दिल्ली के अंदर एनडीएमसी काम करता है, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस काम करती है, वो सारा जो पैसा है, आज ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, वो किसने बनाया? दिल्ली के अंदर जो विकास काम डीडीए करता है वो कौन करता है? उसका पैसा तो सेंटर देता है। जो दिल्ली पुलिस और इनके जो मुख्यमंत्री और मंत्री, उनकी सुरक्षा व्यवस्था में जो पैसा खर्च हो रहा है, वो पैसा भी तो केंद्र सरकार वहन कर रही है। जो विकास की योजनाएं, आज जहां झुग्गी वहीं मकान, और इसके साथ साथ अनऑथराइज कॉलोनी के जो रेगुलाइजेशन का काम, वो केंद्र सरकार कर रही है। तो दिल्ली सरकार सिर्फ क्या पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, और इकट्ठा करके अपने बड़े बड़े विज्ञापन लगा लो, चौक चौराहों पर प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाओ? इससे समस्या का हल नहीं होने वाला। समस्या का हल जमीनी स्तर पर काम करने से, और ये जो राजनीतिक, जो देश भावना से जो वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। दिल्ली की जनता के साथ अन्याय है। एमसीडी के जो कर्मी है उनके आज घरों में राशन नहीं है, उनके बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्लीज राजनीति मत करिए। ये जो डॉक्टर हैं, जो कोरोना फ्रंट वॉरियर हैं, जो सफाई कर्मी हैं, जो डीवीसी वर्कर हैं, वो कोरोना के टाइम पे उन्होंने अपने जान की परवाह नहीं की, और जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने काम किया, फिर भी आप उनको इस तरह से आप परेशान कर रहे हैं। आप एमसीडी को परेशान करके कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता, जो दिल्ली निगम के अस्पतालों में इलाज कराया जाता है, कराने जाते हैं, वो गरीब तबका है, वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, वो क्लस्टर में रहने वाले लोग हैं, आप परेशान उन्हीं को कर रहे हैं। ऐसा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अपनी मानसिकता दिखाना चाहते हैं, और
मैं आपको एक जानकारी और दूं, आज बिजली कंपनियों ने जो दिल्ली के अंदर हालात कर रखे हैं, जो बड़े हुए बिजली के बिल लोगों के पास आ रहे हैं, उनको एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, उनको प्रताड़ना दी जा रही है, उनको बड़े बड़े बिल, जिनके पास 1000 रुपए का बिल आता था उनके पास 10-10 हजार रुपए के बिल आ रहे हैं। और हद तो तब हो गई, आज दिल्ली के अंदर 50,000 से ज्यादा लोग इस बात से दुखी है कि उनके मीटर नहीं लग रहे, और उनको मीटर लगवाने के लिए बिजली कंपनियां 50,000 1-1 लाख रुपए वो रिश्वत मांग रही हैं कि हम बिजली का मीटर आपके यहाँ तभी लगाएंगे जब आप हमें पैसा दोगे, और पैसा नहीं दोगे तो हम फाइल पे लिख देंगे कि इसकी हाइट ये 2 इंच ज्यादा है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो 60,000 करोड़ रुपया, ये कहाँ डकार गए केजरीवाल साहब? ये तो जवाब दे, आप बताइए आपने क्या किया? आपने विज्ञापन और प्रचार के अलावा कुछ किया नहीं है, ये सबको पता है। आप हर बार राजनीति करते हैं, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जो बेचारे सैलरीड पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ आप राजनीति कर रहे हैं।